स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, उसके बाद हम कोड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम से समझेंगे और अच्छे से असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है पहले बता दें, असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है असाइन किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए एक वेरिएबल तक। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज द इक्वल्स टू। इक्वल्स टू साइन सबसे मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर होती है, विच असाइन द वैल्यू ऑफ अ राइट ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट ऑपरेंड्स, जो कि असाइन करती है वैल्यू राइट ऑपरेंड से लेफ्ट ऑपरेंड तक। सबसे कॉमन होती है जो वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर की, वो होती है इज इक्वल्स टू, उसके बाद होता है प्लस इज इक्वल्स टू, उसके बाद होता है माइनस इज इक्वल्स टू। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम जैसे कि लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल्स टू बी और b इज इक्वल्स टू 20 और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं। यह सही तरीका है लिखने का किसी भी इंटीजर को डिक्लेयर करने का, या फिर इंट a और b लिखते हैं उसके बाद हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 20। इसमें से सही तरीका है लिखने का ये, हम लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में हम किसी भी वैल्यू को असाइन करते हैं बस इक्वल्स टू, जैसे कि हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू 10, मतलब कि हम इसमें बता रहे हैं कि ए की वैल्यू को 10 कर दो। और इस केस में जब ए इज इक्वल्स टू बी लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी लिखते हैं, इस केस में ए को ही असाइन कर देते हैं बी की, मतलब कि ए का वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है। और हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ए डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं ए की वैल्यू को 10 देने के लिए, और असाइन का वैल्यू यूज करते हैं बस सिंगल इज इक्वल्स टू को, ए की वैल्यू को ही हमने बी की वैल्यू लिख दिया। जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सारे, जैसे कि फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा इज इक्वल्स टू, जैसे कि यह असाइन करता है, यह किसी भी वैल्यू को असाइन करेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सी इज, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसमें असाइन कर देगा विल इसमें c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी असाइन कर देगा वैल्यू ऑफ अ ए प्लस बी का टू c तक। यह c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हमने लिखा, यहाँ पर असाइन कर देगा वैल्यू a प्लस बी की c तक। इसी तरह हम इसका यूज करते हैं प्लस इज इक्वल्स टू का, यह करता है ऐड करता है असाइन को, ऐड करता है असाइन को। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं c प्लस इज इक्वल्स टू a इज सेम, यह सेम है किसकी तरह से, c प्लस इज इक्वल्स टू a इज सेम एज c इज इक्वल्स टू c प्लस a, यह सेम है c प्लस इज इक्वल्स टू, यह सेम है c इज इक्वल्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह हम यूज करते हैं एक माइनस इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू इज सेम
इज सेम एज, इज सेम एज, जैसे कि यहाँ पे हमने सी ले लिया है और इसकी वैल्यू ए दे दी है, तो ये सेम एज सी इज इक्वल्स टू सी सब्ट्रैक्ट बाई ए, ऐसे ऐसे हमें। इसी तरह हम एक और यूज करते हैं स्टार, जैसे कि हमने सी स्टार इज इक्वल्स टू ए, हमने यहाँ पे ये भी इज सेम, इज सेम एज, यह सेम होगा आपका सी, यह सेम होगा आपका सी इज इक्वल्स टू, सी इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाइड बाई ए। इसी तरह ए का साइन हम यूज करते हैं यहाँ पे डिवाइड का, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं सी डिवाइड बाई, सी डिवाइड बाई इज इक्वल्स टू ए, इज सेम एज सी, सी डिवाइड बाई ए। इसी तरह हम एक यूज करते हैं डिवाइड का, मैंने सब्ट्रैक्ट का यूज किया, एड का यूज किया, मल्टीप्लिकेशन का यूज किया, डिवाइड का यूज किया, इसी तरह हम एक मॉड्यूल्स का यूज करेंगे, सी सी मॉड्यूल्स, सी मॉड्यूल्स इज इक्वल्स टू ए, इज सेम, इज सेम एज, या सेम है, सेम है किसके तरह, सी इज इक्वल्स टू सी मॉड्यूल्स ए, इसके तरह से हमें। इसी तरह हम ग्रेटर देन इज इक्वल लेफ्ट शिफ्ट असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हमने मॉड्यूल असाइन किया, यहाँ पे हमने डिवाइड असाइन किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन असाइन किया, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट असाइन किया, यहाँ पे हमने ऐड असाइन किया। इसी तरह हम लेफ्ट शिफ्ट को भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट लगा, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे, सी लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल्स टू ए, इसमें क्या होगा कि सी इज सेम एज, सी इज इक्वल्स टू लगेगा, उसके बाद सी लेफ्ट शिफ्ट ए, इसमें इस तरह हो जाएगा, उसके बाद राइट शिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। चलिए लेट्स राइट कोड ऑफ अ, चलिए कोड लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, लेट्स राइट अ कोड ऑफ अ असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बाद इसमें हम डिक्लेयर करेंगे एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल और एक इंट वाई नाम का वेरिएबल, एक्स को दे देंगे वैल्यू 5 और उसके बाद इंट एक वाई एक इंट वाई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका वैल्यू हम दे देंगे 10। उसके बाद हम प्रिंट एफ करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज टी बैक स्लैश एन, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो डिक्लेयर किए हैं एक्स की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलन एंटर, उसके बाद फिर प्रिंट एफ करेंगे यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे वाई की वैल्यू और यहाँ पर भी वाई की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न 0 करेंगे, उसके बाद हम रन करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देगा एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 10। हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन का यूज करके प्रोग्राम लिखा। इसी तरह हम
इसी तरह हम इज इक्वल्स टू का यूज कर सकते हैं, प्लस इज इक्वल्स टू का यूज कर सकते हैं, माइनस इज इक्वल्स टू का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम यूज कर सकते हैं एक्स एक्स सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू वाई, और उसके बाद प्रिंट ऑफ करके एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इज सेम। फिर रिटर्न करेंगे, रन करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 देगा और वाई की वैल्यू 10, और जो यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं एक्स माइनस वाई वो -5 देगा और वाई की वैल्यू 10 देगा। इसी तरह एक्स एक्स मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं, उसके बाद रन करेगा तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू देगा। उसी तरह यहाँ पे हम लेफ्ट शिफ्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट यूज कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट यूज करके देने पे वैल्यू सब रन करके फिर राइट शिफ्ट यूज कर सकते हैं, उसके बाद रन करेंगे। उसके बाद राइट शिफ्ट के बाद उसके बाद मॉड्यूलस यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस उसके बाद रन करेंगे। उसके बाद डिवाइड यूज कर सकते हैं, डिवाइड ऐसे आप समझ ही गए होंगे कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें असाइन की जाती है वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली बहुत ही इजी है अगर आप समझ गए तो। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद फिर स्पेसिफिक ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद हमारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।